हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग 3, नवमह पाठ, काकह कथा, कौवे की कहानी। आपने सुनी हुई होगी, लेकिन फिर से जानते हैं एक बार कि कौवे की कहानी कैसी कहानी है। कस्मिश्चित प्रदेशे एक महान वट वृक्ष आसीत। किसी प्रदेश में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वृक्षे काक दंपति प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहता था? कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। वृक्ष अध एव एकस्मिन विवरे एक कृष्ण सर्प अपि न्यवसत। वृक्ष के नीचे एक खोखर में, यानी कि एक खोखले में, एक काला सांप भी रहता था। आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये कौवे का जोड़ा है। यहाँ पर ये बैठा हुआ है श्रृंगाल, और इसकी खोखर में नीचे एक काला सांप रहता है। तयो अनुपस्थित सह दुष्टात्मा विवरात निर्गत्य सदा काकपत्यानि भक्षयति स्म। जैसे ही वो दोनों चले जाते थे, कौवा और कौवी का जोड़ा, तो ये जो दुष्टात्मा, ये सांप था, ये उसके बच्चों को, कौवे के बच्चों को खा जाता था। एतस्मात् कारणात् तौ बहु दुखितौ आस्ताम। इसके कारण वो दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। निश्चित था, क्योंकि उनके बच्चों को रोज कौवा खा लेता, सांप खा लेता था, तो बहुत दुखी थे। एकदा सर्प पीड़ितौ तौ स्वप्रियम मित्रम श्रृंगालम अकथयताम। एक बार बहुत दुखी होकर उन दोनों ने अपने प्रिय मित्र श्रृंगाल से कहा, भो मित्रम, अरे मित्र, एवं विधे संजाते आवयो किम कर्तव्यम भवति। अब मेरे मित्र, जब ऐसा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? दुष्टात्मा कृष्ण सर्प है, आवयो अनुपस्थित हो बालकान भक्षति। ये दुष्टात्मा जो सांप है, ये हमारी अनुपस्थिति में जब हम नहीं होते हैं तो हमारे बच्चों को खा लेता है। बालक रक्षकार्थम कश्चित उपाय कथतम। अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, बताओ। तत्र स्थिताम अस्माकम अपि प्रतिदिनम प्राण संशय। अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसे तो हमारे भी प्राण संकट में हो जाएंगे। श्रृंगाल अवदत। श्रृंगाल ने बोला, गिदड़ बोला, अस्मिन विषये स्वल्पे अपि विषाद न कर रहे। इस बात से तुम जरा भी उदास या दुखी मत हो। नूनम से लुब्ध उपायम बिना न मरिष्यति। वह निश्चय ही, वो जो लोभी है, वो बिना किसी उपाय के नहीं मरेगा। तो हम कोई उपाय सोचते हैं। उक्तम च, तो कहा भी गया है, उपायेन जयो याद्रग रिपोस्त्राद्रग न हतो हेति भी उपायज्ञो अल्पकायो अपि न शूरई परिभूयते। इस श्लोक का अर्थ है कि साधन से प्राप्त कोई भी, जब हम साधन से प्राप्त कोई भी विजय होती है, वो शत्रु नहीं कही जाती, वो शत्रु के समान नहीं होती है, और ना ही वो वीरों के द्वारा कोई छोटी वस्तु या तुच्छ वस्तु कही जाती है। अतः गच्छतु भवान राजभवनम। आप क्या, श्रृंगाल ने क्या बोला, आप क्या करो, राजभवन में जाओ। तत्र गत्वा कस्यापि धनिकस्य अथवा राजमातु ग्रीवाहरम उत्थाप्य सर्वस्य विवरे प्रक्षिपतु। तुम वहां जाओ और किसी धनवान या राजमाता का कोई आभूषण या गले का हार उठाकर लाओ और उसको उस खोखले में डाल दो। एतत् श्रुत्वा काकः तदैव राजभवनम प्रति उंगित। और ऐसा सुनकर कौवा एकदम ही तभी राजभवन की ओर उड़ गया। तत्र गत्वा सह कमपि धनिकम अन्वेषितम संलग्न। वहां जाकर वो किसी धनवान वाले धनिक व्यक्ति को ढूंढने लगा। किंचित कालांतरमेव सह एकाम स्त्रीम दृष्टवान। कुछ ही समय के बाद उसने एक स्त्री को देखा। सा सरोवरे स्नातुं प्रविशति स्म। वह सरोवर में नहाने के लिए आती है, प्रवेश करती है। काके तस्या वस्त्रेषु द्वौ त्रय स्वर्णहारा अपश्यत। कौवे ने उसके कपड़ों में 2-3 सोने के हार देखे। यदा सा स्त्री स्नातुं संलग्ना, जब वो स्त्री नहाने लगी, तदैव से एकम हारम स्वचंचौ गृहीत्वा आकाशे उड्डिता। और जैसे ही वो स्त्री नहाने लगी, तब उसने एक हार अपनी चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ गया। किंचित दूरी एवं तस्या रक्षका आसन। कुछ ही दूरी पर, वहां पर कौन थे?
जब वो ले जा रहा था तो कुछ ही दूरी पर रक्षक थे। ते तम दृष्टम यत काका एकम कारम नीतवा गच्छति। जब उन्होंने देखा कि कौआ हार लेकर जा रहा है, ते तस्य पृष्ठे धावंती, वे उसके पीछे दौड़ते हैं। काके हारम सर्पस्य विवरे प्रक्षिप्य अन्यस्मिन वृक्षे उपविष्ट है। काक ने कौए ने क्या करा, उस हार को लेकर और उसको खोखर में फेंक कर और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तदैव रक्षका अपि आगच्छन्ति, तभी वहां रक्षक आते हैं। ते पश्यन्ति, वे देखते हैं, यत कि हारस्तु वृक्ष अधय अस्ति, कि हार तो वृक्ष के नीचे पड़ा है। यथैव ते तत्र गता, जैसे ही वो वहां जाते हैं, तथैव सह कृष्ण सर्पे वही नृसत्य आगत है, तभी वो काला सांप बाहर निकलकर आ जाता है। रक्षका यष्टिका प्रहारेण तु दुष्ट सर्पम हत्वा हारमादाय यथा अभिलिषत संस्थानम गता। और जैसे ही वो सांप बाहर आता है, पहरेदारों ने उसे डंडे से प्रहार करके मार कर और हार लेकर और वो अपने इच्छित स्थान पर चले गए। ततः परम काग दंपति परम सुखेन वस्त है। उसके बाद वो कौआ कौवी का जोड़ा भी आराम से रहने लगा। आपको समझ में आया बच्चों, वो हार क्यों लाया था? इसलिए लाया था वो हार उठाकर कि जैसे ही वो हार इतनी कीमती वस्तु है, जैसे ही वो उसको खोखर में डालेंगे तो कोई ना कोई तो उसे ढूंढने के लिए आएगा कि कौआ हार ले गया। तो जैसे ही वो आएगा वो खोखर में डाल देगा, जब वो आएंगे तो वो वहां उसको सांप को देखेंगे और सांप को देखकर वो उसको रक्षक मार देंगे। तो उसने कितनी बुद्धि से काम लिया कि उसने श्रृंगाल ने बताया था कि तुम किसी कीमती वस्तु को लेकर उड़ जाओ और उसको खोखर में डाल देना, जैसे ही कोई उन्हें बचाने आएगा जब वो वहां सांप देखेगा तो वो सांप को मार डालेगा। और ऐसा ही उन रक्षकों ने किया। जैसे ही वो कौवा हार लेकर उड़ा और उसने उसको खोखर में डाल दिया तो रक्षकों ने देखा कि कौवा तो है नहीं वहां पर और हार तो नीचे पड़ा हुआ है। जब उन्होंने हार उठाया नीचे देखा तो हार की जगह वहां पर सांप था। उन्होंने डंडे से सांप को मार दिया और हार भी उठा लिया और जहां उन्हें जाना था अपने इच्छित स्थान पर वहां चले गए। और उसके बाद वो कौआ और कौआ दंपति भी आराम से रहने लगे। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी आपको कहानी। अब पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। जैसे काकह, कौआ, कस्मिश्चित किसी, विवरे माने बिल में या खोखर में, कृष्ण सर्प माने काला सांप, न्यवसत माने रहता था, निर्गत्य निकलकर, अपत्यानी माने संतान को, सर्प पीड़ितों सांप के कारण दुखी, कथ्यताम माने कहिए, विषाद दुख, लुब्ध लोभी, याद्रग माने जिस प्रकार, रिपो शत्रु को, हति भी शस्त्रों से, अल्पकायो अपि माने छोटे शरीर वाला, और न परिभूयते यानी कि पराभव को प्राप्त नहीं होता, यानी कि पराजय को प्राप्त नहीं होता, वो हारता नहीं है। ग्रीवाहारम माने गले का हार, ग्रीवा माने गर्दन और ग्रीवाहारम माने गले का हार, उत्थाप्यम माने उठाकर, उड्डितय माने उड़ गया, अन्येषितुम माने खोजने के लिए, यष्टिका प्रहारण यानी कि लाठी के डंडे के प्रहार से, हत्वा माने मार कर। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। ये कुछ अभ्यास कार्य हैं। इसमें पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहाँ है, वट वृक्ष है कुत्र आसीत, वट वृक्ष कहाँ था? कस्मिश्चित वने, वने है ना, एक है वट वृक्ष है आसीत। काक दंपति कुत्र प्रतिवसिती, इसमें वृक्षोपरि, काक दंपति वृक्षोपरि प्रतिवसतः स्म। सर्पय किम करोति, सर्पय काक दंपत्यो पत्यान भक्षति स्म, उनके बच्चों को खा लेता था वो काक दंपति के। शृंगाल है किम अवदत, क्या बोला शृंगाल ने? शृंगाल ने बोला तुम किसी धनिक का हार लेकर उड़ जाओ और उसको खोखर में डाल देना, उसको बिल में डाल देना, यही बोला उसने। शृंगाल ने बोला
और तुम इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। शृंगाल ने कहा, गीदड़ ने कहा, तुम दुखी तो न काके राजभवनम प्रति किमर्थम मुंडित है। काक राजभवन की ओर क्यों गया था? वो ग्रीवा हारस्य अन्वेषितम, उसे खोजने के लिए कि कोई मुझे ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि मैं कोई गले का हार वगैरह उठा लूं। तो ग्रीवा हारस्य अन्वेषितुम काकः राजभवनम उड्डित। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है वृक्षे काक दंपतौ प्रतिवसत स्म, वृक्ष अधय एकस्मिन कृष्ण सर्प एक विवरे अपि न्यवसत। स दुष्टात्मा डैश सदा डैश भक्षयति स्म, स दुष्टात्मा कृष्ण सर्प सदा काकपत्यान भक्षयति स्म। एवं विधेयी संजाते आवयो दुखितौ भवति। तत्र गत्वा सह कस्मिश्चित् धनिकस्य अन्वेषितुम संलग्न है, वो किसी धनी व्यक्ति को ढूंढने के लिए लग गया, वहां पर खोजने लगा कि कौन मिलेगा मुझे धनी व्यक्ति। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। पहला है, 3 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ। कस्मिश्चित प्रदेश एक है, महान वृक्ष है, वट वृक्ष है, आम्र भी नहीं है, जम्बू भी नहीं है, वट वृक्ष है। ख है स्त्री स्नातुम डैश प्रविशत, इसमें नद्या या स्नान ग्रह या सरोवरे नद्या। तीसरा है काके हार सर्पस्य विवरे या राजमहले या ग्रहे सर्पस्य विवरे अक्षिपत। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना है। एकस्मिन विवरे एक कृष्ण सर्प वसति स्म, एक बिल में एक काला सांप रहता था। दूसरा है, तत्र स्थिता नाम अस्माकम अभी प्राण संशय, वहां रहने पर हमारे भी प्राणों का खतरा है, हमारे भी प्राणों को खतरा है। थर्ड है, शृंगाल से वार्ता श्रुत्वा काके राजभवन प्रति उड्डित है। शृंगाल के वचनों को सुनकर, शृंगाल के वचनों को सुनकर कौआ राजभवन की ओर उड़ गया। राजभवन की ओर क्या हो गया? उड़ गया। नेक्स्ट है, फिर काके हारम सर्पस्य विवरे क्षिपति, कौआ हार को बिल में फेंकता है, बिल में फेंकता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सही उत्तर पर सही का मिलान किया और हिंदी में अनुवाद करा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है, सामने कुछ बात कही गई है, वाक्य कहा गया है, तो हमने सही के सामने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो जैसे पहला वाक्य कहा गया, वृक्षे उलूक दंपति प्रतिवसति स्म, क्या वृक्ष पर उलूक दंपति उल्लू का जोड़ा रहता था? नहीं, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। कृष्ण सर्प है काकपत्यानी भक्षति स्म, काला सांप कौए के बच्चों को खाता था, सही है।
सर्प श्रृंगाल से मित्रमास्ति, सांप श्रृंगाल का मित्र था नहीं। काके एकम हारम मित्वा आकाशे उड़ित है, कौआ एक हार को लेकर आकाश में उड़ गया, ये भी सही बात है, हमने सही का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6 संधि विच्छेद करना है हमें। काक पत्यानी, काक धन पत्यानी कौए के बच्चे, दुष्टात्मा दुष्ट प्लस आत्मा स्वल्प सु प्लस अल्प, अल्पकाय अल्प प्लस काय। तो यहां हमने बच्चों इन शब्दों का हमने संधि विच्छेद किया, इनको विग्रह किया, इनका संधि विग्रह। यहां एक्सरसाइज नंबर 7 है बच्चों। 7 एक्सरसाइज में निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और लिंग लिखने हैं। बालकान, पहले हम इनकी विभक्ति लिखते हैं। बालकान ये है तृतीय विभक्ति, द्वितीय धनिकस्य षष्ठी विभक्ति, रक्षकः प्रथमा विभक्ति, धनिकम द्वितीय विभक्ति। अब इनके वचन है बालकान बहुवचन, धनिकस्य एक वचन, रक्षका बहुवचन, धनिकम द्विवचन। लिंग है बालक पुल्लिंग है, धनिक भी पुल्लिंग है, रक्षक पुल्लिंग है और धनिक ये भी पुल्लिंग है। एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों, क्रियापदों एवं वाक्यों में प्रयोग करो। ये जो क्रियापद दिए हुए हैं इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे? गच्छति, हम कर देंगे सह गच्छति, बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे हम सह गच्छति। धावंती ते धावंती, पश्यंती ता पश्यंती, आगच्छंती ते आगच्छंती। तो इस प्रकार हमने बच्चों दिए हुए शब्द का क्रियापदों का वाक्य में प्रयोग किया। एक्सरसाइज 8 हमारी यहाँ समाप्त होती है। हमारा रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटी है कि यदि हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो क्या होगा, इस पर आप अपने विचार लिखकर अपने टीचर को दिखाएं कि अगर हम अच्छे लोगों का साथ नहीं करेंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, क्या क्या हो सकता है। इसको आप होमवर्क में लिखकर अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में या अपनी A4 शीट पर लिखकर अपनी टीचर अपनी शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए और बताइए कि अगर हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, ये सब बातें आपको लिखकर दिखानी है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।